हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। टेम्परेचर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल और उसके बीच में इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेचर, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर। इट इज फिजिकल quantity of matter that quantitatively expresses cold or hot. Temperature is measured by thermometer. There are three different scales of measuring temperature. तो टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक्सप्रेस करता है कितना कोल्ड है या कितना हॉट है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस को एक्सप्रेस करने के जो फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया जाता है वही है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। देयर आर थ्री डिफरेंट स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो फर्स्ट सेल्सियस, दूसरा फारेनहाइट और थर्ड है केल्विन। जब भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो केल्विन में ही आपको कन्वर्ट करना होगा टेम्परेचर को। तीनों के बीच में इंटर कन्वर्जन बहुत ही बेसिक्स है जो जानने की आवश्यकता है सबको। और देखिए किस तरह तीनों का डेरिवेशन करते हैं, तो कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम पहले तीन थर्मामीटर बनाते हैं जो कि एक थर्मामीटर है, ऐसा करते हैं जो हम उसका हम यहां पे लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ठीक है। वाटर के केस में स्टडी कर रहे हैं सेल्सियस, फारेनहाइट और ये केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट वाटर है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो
सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, सबको पता है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में 212, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और 32 इसका मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का। केल्विन में 273.15 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन। इसके बीच में डिफरेंस कितना है, तो किसी का भी रिलेशन निकालने के लिए, किसी का भी रिलेशन निकालने के लिए, तो रीडिंग यहाँ पे मान लेते हैं सी, कोई टेम्परेचर है सेल्सियस में, सी है, यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे के। तो क्या करते हैं, जो ये रीडिंग, इस रीडिंग को रीडिंग माइनस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट माइनस रिस्क का डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। वाटर के बारे में बात कर रहे हैं तो वाटर ही होगा, ये क्या आ गया कॉन्स्टेंट। तो अब पुट करते हैं, तीन इक्वेशन जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे सेल्सियस का क्या है, तो सेल्सियस के जगह पे हम सी लिखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, और ये 0। फारेनहाइट में -32.212 -32। केल्विन में केल्विन -273.15 बाय, इसको जब माइनस करेंगे तो ये 273.15 -373 -15 -273.15 इक्वल टू ये तो नीचे इसका 100 आएगा, इसका 100 और k माइनस 273.15, ये a आया, f माइनस 32 और ये 180, और ये c बाय 100। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन आया है, ये किसी का किसी से भी हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो रब करते हैं, इसको अच्छा से समझिए, और याद करने की आवश्यकता नहीं, फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कंसेप्ट को देखिए। तो क्या रिलेशन आया है, सी बाय 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाय 180 इक्वल टू के माइनस 273.15 बाय 100। तो 15 को इग्नोर भी कर सकते हैं, 273 लिख सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस बात में। ये तो क्या करते हैं, सेल्सियस एंड केल्विन में रिलेशन निकालते हैं। तो सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकालते हैं, सेल्सियस और केल्विन में, तो पहला सेल्सियस और केल्विन में कैसे निकलेगा, तो सी बाय
इक्वल टू के माइनस 273 बाय 100, ये 100 100 कैंसिल आउट हो गया, तो के इक्वल टू सी प्लस 273 डिग्री से सेंटीग्रेड। तो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू केल्विन, तो क्या करना होगा, 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 892, तो ये केल्विन में टेम्परेचर हो गया है, केल्विन में, तो प्लस कर दीजिए तो ये 300 केल्विन आएगा, तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा सेल्सियस और फारेनहाइट के, तो सेल्सियस एंड फारेनहाइट इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो सेम प्रोसीजर अपनाते हैं, सी बाय 100 माइनस सी माइनस 32 बाय 180, तो ये कैंसिल, ये 5 और ये 9, तो 9c बाय 5 प्लस 32 इक्वल टू f, सॉल्व करके बताते हैं, इसको सॉल्व करके बताते हैं, तो ये c by 5 इक्वल टू f माइनस 32 बाई 9, 9c by 5 इक्वल टू f माइनस 32, और f इक्वल टू ये इधर आएगा, तो 9c by 5 प्लस 32, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये इस पे बेस क्वेश्चन आता है, तो ये हो गया इंटरकन्वर्जन। तो ये फार्मूला कैसे आया, सिंपली क्या है, ये हमको उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अब किसी खास टेम्परेचर हम माने थे सी, यहाँ पे इस टेम्परेचर के लिए माने थे, और सबको इक्वेट कर दिया।